दर्शकों, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आप सबका स्वागत है और मैं अभिषेक। आज हमारी प्रेस क्लब कटरा की टीम आप सबके सामने उस घर की कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जिस घर पर रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले केवल मायूसी। उस घर पे मायूसी के सिवा और कुछ नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम कटरा से कुछ ही दूरी पर एक गांव है और वो पंचायत आपको बोल दे कि कटरा से कुछ ही दूरी पर कुंदरुड़िया पंचायत है और कुंदरुड़िया पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 4 का ये जो मोहल्ला है और उस मोहल्ले पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर किराए पर रहते हैं शख्स, उनकी एक कहानी लेकर आप सबके सामने है। ये कहानी उस बच्चे की है जिस बच्चे की उम्र केवल 12 साल है। वो एक ऐसा बच्चा है जब तक कोई उसे पानी ना पिलाए तो वो पानी नहीं पी सकता, जब तक कोई उसे खाना ना खिलाए तो वो खाना नहीं खा सकता। जी हाँ, कटरा से कुछ ही दूरी पर ये पंचायत कुंदरुड़े पंचायत की जो ये कहानी आप सबके सामने हम लेकर हमारी प्रेस क्लब कटरा की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि इस कहानी पर जो है एक 12 साल की बच्ची की कहानी है और उनके परिवार को बता दें कि आपको सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट की तरफ से सिर्फ झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं। कई सालों से जी उनके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं परंतु इन्हें वहां से टाल मटोल करके बाहर की तरफ रास्ता दिखा दिया जाता है। आखिर प्रशासन की तरफ से इनकी मदद क्यों नहीं की गई? यहाँ के पंच सरपंच उनकी तरफ से उनकी मदद क्यों नहीं की? आइए उस घर की तरफ रुक। ये उस घर की हालत है, आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उस घर की कहानी है जिस घर पर हम कहानी करने के लिए मौजूद हैं और जिस बच्चे की हम कहानी है उससे ज़रूर बात करेंगे और उससे मुलाकात करेंगे और उनके माता पिता जो हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। आइए चलते हैं। तो दर्शकों, ये वो बच्चा है जो कि ना ही बोल सकता है और ना ही चल सकता है और ना किसी के पिलाए बिना पानी पी सकता है और ना ही किसी के कुछ खिलाए बिना खाना खा सकता है। ये 12 साल का वो बच्चा जिसकी कहानी करने के लिए आज श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा की टीम इनके घर पर मौजूद है और इनके पीछे जो हैं इस बच्चे के माता पिता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो अपना नाम सुनाओ कि मेरी सुनाओ कि एक किन्नी चेहरे जो है कुड़ी करे वो वाला और कोके कोके दफ्तर तो उसकी और किन्ने कुने जो है इनकी मदद की है। पहले अस मेडिकल करान डॉक्टर कोल गए, ओहदे कोलों बाद अस गए सोशल वेलफेयर दफ्तर दित्ते, असें एप्लीकेशन दित्ती, उन्हें आखिया कि इहदा बीपीआर राशन कार्ड लियाओ, जिहड़ा अस राशन कार्ड पर बगैर इस इनकम मतलब नहीं इहदी पेंशन नहीं लाई सकदे, अस इहदे बगैर साडे कोल बीपीआर राशन कार्ड नहीं है जिहदे बगैर अस पेंशन नहीं लाई सके। तो आपकी जो ये पंचायत है, यहाँ के जो पंच सरपंच हैं, जबकि उनको पता भी है कि इस बच्ची की क्या कंडीशन है, उसके बाद बावजूद भी जो है आज तक उनकी तरफ से जो मदद नहीं की हुई है, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की हुई है। हम इसके बिना किराए पर कमरा लेके बैठे हुए हैं, जो हम कहीं दूसरी जगह पे भी कमरा लेके नहीं बैठ सकते हैं और एक बंदा हमारे से एक काम करेगा एक घर पे बैठ सकता है। तो ये उस बच्चे की माँ थी जिन्होंने साथों से बताया कि इस बच्चे के साथ जो है हम दोनों में से एक शख्स को जो है हमेशा 24 घंटे यहाँ पर रहना पड़ता है इसकी देखभाल करने के लिए और इसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इस बच्चे को जो है टाइम पर खाना भी खिलाना पड़ता है और टाइम पर पानी भी पिलाना पड़ता है। और इस लड़की के जो है पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। आप कितने देर से हैं, कौन कौन से दफ्तर में गए हैं और जब आप सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ऑफिस में गए हैं तो उनकी तरफ से क्या बोला गया आपको कि और क्यों झूठे दिलासे देके जो है आपको वापस नहीं लेते? पहले गए अस कुड़ी दा डाटरी सर्टिफिकेट बनाने, सर्टिफिकेट बनाइए आए थे, उन्हें बनाइए दिता सानू सर्टिफिकेट, बाई गए पिंशन आले दफ्तर से, अज कल करते करते 2 साल हो गए सानू दौड़ा भाजी करते, हुण एंड विच आखे दे भाई इहदा उह लियो बीपीएल राशन कार्ड, आप पटवारी को जन्ने तो पटवारी करता है बीपीएल राशन कार्ड बनना नहीं है, पहले मियाँ हमें वो लीजिए अपना इनकम सर्टिफिकेट, मेरी इनकम है नहीं कोई, मैं छड़ी दिहाड़ी थोड़ी लाना, बस दिहाड़ी लाना तो एक घर रहा तो एक कमे पर जाता है, समझ मेरी दिहाड़ी लग तो लग नहीं तो यदि लग एक बंद दिहाड़ी लगनी है। बच्चे मेरे 4 हैं, 2 कुड़ियाँ 2 मुड़े, एक कुड़ी है 12 साल की, नहीं चलती है नहीं बोलती है, एक बंदा इसी घर बंदा चाहिए 24 घंटे भाई ध्यान रखने वास्ते, दे एक रुटी रुटी खिलाने वास्ते, पानी पिलाना, हर चीज़ दिखना पौंदा, टिप छाप कराना, दे उत्थे जन्ने पटवारी कोल ते पटवारी करदा जी एह राशन कार्ड नहीं बनना, एह
बीपीएल नहीं बनना मतलब कि तुसे हर बारी हर एक डिपार्टमेंट तरफ जो टाल मोटोल करी जो वापस लुटाई जा उसे आखंदे ये आज जाओ ते कल आओ आज जाओ कल आओ भाई बेच उन्हें जवाब दिता उन्हें बीपीएल राशन कार्ड ये बनना नहीं है भाई ये तुम तो बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनना फिर भाई मी करते इकम सर्टिफिकेट ले जाओ ये इकम सर्टिफिकेट मेरे को ये इकम सर्टिफिकेट है हूं आखे एपरा नहीं बनना भाई कोई पेंच ने कोई सरपंच ने खड़ी कोई मदद नहीं की अस उधमपुर के रौने वाले इतने किराए पर रौने ध्याड़ी धूड़ी लाने कि चेर इतने रोंदे सू कोई 16-17 साल हो गए वो बच्चा जिस बच्चे की कहानी करने के लिए हमारी फैसला कटा की टीम मौजूद थी और उनके माता पिता से हमने साथों से बात की और माता पिता का जो है साथों से ये कहना था कि हमें पटवारी की तरफ से भी और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ऑफिस की तरफ से भी टाल मटोल करके वापस कर दिया जाता है कहा जाता है कि इस बच्चे का जो है बीपीएल राशन कार्ड लाइए आखिर इस छोटी से नन्ही सी जान का क्या आप बीपीएल राशन कार्ड लेंगे और साफ़ से इस जो बच्ची का पिता है उनको बोला गया कि अपना कम सर्टिफिकेट दें आखिर जब उनका साफ तौर से कहना है कि माता पिता जो हैं दिहाड़ीदार बंदे हैं दोनों में से एक शख्स को जो है इस बच्ची के साथ घर पर रहना पड़ता है और दूसरे शख्स को जाके दिहाड़ी लगानी पड़ती है आखिर यहाँ पंचायत कुंद्रोड़े पंचायत के पंच सरपंच ऐसी कौन सी गहरी नींद पर सोए हैं कि इस छोटी सी नन्ही जान के लिए वो सामने नहीं आए साफ तौर से आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी गुहार है और जितनी भी सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं चाहे वो एनजीओज हैं उनसे इनका साफ तौर से कहना है कि इनकी इस छोटी सी नन्ही सी जान के लिए मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर सामने आए ताकि इस बच्ची की जो है आगे का फ्यूचर जो है अच्छे से देखभाल हो सके माता पिता का जो निराशापूर्ण जो दिन निकलता है वो भी आशापूर्ण में वापस तब्दील हो और ऐसी ही बार बार आपको बता दें कि इस वीडियो को जो है आप सबके सामने लाने का हमारा एक ही मकसद है कि इस छोटी सी बच्ची का जो है पालन पोषण अच्छे से हो सके इस परिवार पर जो है खुशी की लहर वापस आ सके एनजीओज जितनी भी हैं जो मदद करने के लिए सामने आ सकते हैं वो ज़रूर सामने आए एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार ये दरख्वास्त रहेगी कि इस परिवार पर थोड़ा मदद के लिए सामने आए इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें ताकि इस छोटी सी नन्ही सी जान पे जो है अपनी खुशी पूर्वक अपनी ज़िंदगी जो है आगे की जी सके इस घर पर जरूर देखें क्योंकि घर की हालत भी जो है बहुत बुरी हो चुकी है आखिर दिहाड़ीदार शख्स करे तो करे आखिर क्या करे अपने इस बच्ची का पालन पोषण करे या दिहाड़ी पर तो इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची की मदद करने के लिए एनजीओ सोशल एक्टिविस्ट जितने भी लोग हैं चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं जो भी कोई मदद करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें हमारे प्रेस क्लब कटरा की टीम से संपर्क करें हम आपको इनके घर तक ले चलेंगे तो और ऐसी स्टोरीज के साथ और ऐसी अपडेट्स के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे अलविदा दे मैं अभिषेक केसर कैमरामैन हनी सुधोत्रा के साथ कटरा से जय हिंद जय भारत।